हाय दोस्तों, एक दिन जेठलाल, अय्यर, बबीता और दया चारों लोग गोवा रिसोर्ट घूमने का प्लान बनाते हैं। तो वो चारों लोग प्लेन से गोवा रिसोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां का एक वेटर उनको कहता है, सर हमारे यहां पर मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। तो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह वेटर बबीता के रूम में जाता है तो देखता है कि बबीता का किसी ने मर्डर कर दिया। तो बबीता के साथ ही वहाँ सब आ जाते हैं और जेठलाल चालू पांडे को कॉल लगा देता है। चालू पांडे मौके पर आ जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है, जब बबीता का मर्डर हुआ तो तुम सब लोग क्या कर रहे थे? सबसे पहले वेटर कहता है, सर मैं तो इनके कमरे में आया तब देखा इनका मर्डर हो चुका था। अय्यर कहता है, सर मैं तो बाहर था, मुझे बबीता की चीख सुनाई दी तब मैं अंदर आया। जेठालाल कहता है, सर मेरे को तो इस वेटर ने ही बताया। और लास्ट में दया कहती है, सर मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, वो भी फोन पर। तो कुछ देर तक सोचने के बाद चालू पांडे को असली कातिल का पता चल जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता चला हो तो आप अपना आंसर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, इनमें से कातिल और कोई नहीं, दया है। क्योंकि अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो उस वेटर ने कहा था कि सर हमारे यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो दया अपनी माँ से कैसे फ़ोन पर बात कर सकती? इसका मतलब उसी ने ही बबीता का मर्डर किया। तो आई होप आपको यह पहेली पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो हाँ, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं अगली और मज़ेदार पहेली को। एक दिन पोपटलाल चोरी करने का प्लान बनाता है तो वो सोसाइटी के बाहर उनको तीन घर दिखाई देते हैं। क्या फ्रेंड्स आप बता सकते हैं पोपटलाल कौन से घर से चोरी करेगा? आप देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप नंबर वन वाले हाउस को देखोगे कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और नंबर तीन वाले की लाइट अभी जल रही, इसका मतलब वहाँ कोई जग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से पोपटलाल नंबर दो वाले हाउस से ही चोरी करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में ऑल पर सिलेक्ट करें। अब आप इन्हें देखिए और बताइए इनमें कौन पागल है। फ्रेंड्स, आपको मैं सोचने के लिए वही 15 सेकंड का समय देता हूं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है इन दोनों में से ज़्यादा पागल बबीता है, क्योंकि वो एक नदी में सोच कर रही है और नदी को भी दूषित कर रही है। अगर आप दूसरी ओर देखोगे कि जेठालाल उसका वीडियो बना रहा है, इसका मतलब वो भी मूर्ख हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगा? आप अपनी राय कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पहली वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।